मंडी समिति के प्रदेश अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट आज खटीमा मंडी समिति गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। बताते चले कि मंडी समिति की नई नीति के तहत सरकार ने मंडी शुल्क समाप्त कर किसानों को राहत देने की कोशिश की है। वहीं मंडी शुल्क समाप्त होने से मंडी समिति में काम कर रहे बहुत से कर्मचारियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा, जिससे कई कर्मचारी और कामगार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वहीं आज मंडी प्रदेश अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि इस नीति से किसान किसी भी मंडी में अपना अनाज बेच सकेंगे, जिस पर किसी भी प्रकार का मंडी शुल्क नहीं देना होगा। इसको सरकार की बड़ी कामयाबी बताया। साथ ही कहा कि मंडी समिति में हो रहे नुकसान के संबंध में जगह जगह मंडी समिति में सचिव और अधिकारियों से बैठक कर इस पर चर्चा की गई है और योजनाएं और प्रारूप बनाकर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। जल्द ही समाधान भी निकाला जाएगा। वहीं गजराज सिंह बिष्ट ने माना कि इस नीति से मंडी समिति की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है और इसको पटरी पर जल्द ही लाया जाएगा। मंडी में ही आया था और मुझे आगे जाना था, चपाव जाना है, इस कारण से यहाँ पर मेरे सभी जिले के महामंत्री आदरणीय हिमांशु जी, गणेश जी, गोपाल बोरा जी, ये सभी लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी, कोरोना का हालचाल भी सभी कार्यकर्ताओं से पूछ लेंगे, इस कारण से मैं यहाँ पर बैठा हूँ। नहीं, मंडी के बारे में हम लगातार उसमें हम सर्वाइव किस प्रकार से मंडियाँ करेंगी उसमें हम लगातार बैठक भी कर रहे हैं। मैंने रुद्रपुर, किच्छा, आपके गदरपुर, काशीपुर, सभी जगह मंडियों की बैठक भी की है। सचिवों के साथ भी हम बैठे हैं, अपने जो अधिकारी हैं परिषद के उनके साथ भी हम बैठे हैं और बहुत सारी योजनाएं और प्रारूप बनाकर सरकार को दिया है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे मंडियां दोबारा पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन जो मोदी सरकार ने किया है वो किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय मैं समझता हूँ इन 70 वर्षों में हुआ है। और केंद्र सरकार ने किसानों को मंडी शुल्क रहित करके और उनको कहीं भी उनको अपने अनाज बेचने की उत्पादन को बेचने की कहीं भी आज़ादी होगी, इस कारण से उनका भी एक अपना जहाँ पर उनको अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा, जहाँ उनको उचित मूल्य लगेगा वो वहाँ उस अनाज को बेच भी सकता है। एक बड़ा निर्णय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन यहाँ की मंडियाँ भी जो क्योंकि केवल मंडी शुल्क से ही वो मंडियाँ चलती थी तो इस कारण से मंडियों को थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उस पर भी हम लगातार बैठक कर रहे हैं, लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और मंडियों को कैसे सर्वाइव किया जाएगा वो लगातार हम उसमें काम कर रहे हैं।